बिहार में लगातार दनादन हो रही बीजेपी नेताओं की रैलियों पर फिर से तेजस्वी यादव भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी ने गुस्से में ये तक कह दिया कि अब बीजेपी प्रचार के लिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को भी बुला ले। बता दें कि बीजेपी की इतनी रैलियों और जनसभाओं के बाद अब गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभाओं में शामिल होंगे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के आरक्षण वाले बयान पर भी कहा कि इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और अब उन्हीं के विचारों का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में बातचीत के दौरान ये तक बोल दिया कि पीएम मोदी को तो जानकारी का अभाव है। जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने सभी धर्मों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया था। मंडल कमीशन में तो पूरी 85 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। अब पीएम मोदी तो कर्पूरी ठाकुर की ही नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा लालू परिवार को बेल पर बाहर घूमने पर तेजस्वी बोले कि वो लोग कहते हैं कि हम सब जमानत पर बाहर घूम रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम पर गलत और झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है, अब कोर्ट ने ही हमें जमानत दी है। तेजस्वी ने लोजपा रामनिवास पासवान के मुखिया चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं कि संपन्न दलित को अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो अब वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तेजस्वी ने आके ये भी कहा कि बीजेपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चिराग पासवान का इस मुद्दे पर मुंह नहीं खुल रहा है बल्कि वो बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं। उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र पर हमला बोल रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी उतनी बड़ी बेईमानी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को उसे रद्द करना पड़ा। हाल ही में कांग्रेस के प्रत्याशी 4 दिन पहले केस करके डरा दिया और नामांकन वापस ले लिया। सूरत में तो विरोधी कैंडिडेट को खरीद लिया गया। ये सबसे खतरनाक चुनाव है कि ये लोग जनता को ही चुनने का मौका नहीं दे रहे हैं।